अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है हम सब के लिए कि टिकटॉक बैन हो चुका है, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सच ही सुना है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे टिकटॉक बैन क्यों हुआ है, टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं, क्या फ्यूचर में टिकटॉक अनबैन होगा या नहीं, बड़ी डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अपने भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जियो शाहिद। तो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करते। जी तो दोस्तों, टिकटॉक बैन क्यों हुआ? दोस्तों टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा हद तक लोगों की खुदकुशी का बायस बन रहा था, इस वजह से बैन हुआ है। तो टिकटॉक अपनी बदफाशी की वजह से भी बैन हुआ है। यहाँ पर गंदी गंदी वीडियोस लोग अपलोड करते थे। तो अभी चंद दिन पहले कि एक बंदा टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए ट्रेन के सामने चला गया, तो उसको ट्रेन टक्कर खाकर यहाँ पर लग गई, तो वो उसको जेल में डाल दिया। वो बोल रहा था कि यार वायरल ही तब हुए जबकि जेल में हैं। तो दोस्तों ये है, लोग फेम पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा पानी में ऐसे ऐसे तैर रहा है, वो नाली में, गंदे नाले में पानी में तैर रहा है। तो गंदे पानी में फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, वो गंदे नाले में तैर रहे हैं। यार इतना ही पागल हो गए हैं लोग टिकटॉक के पीछे। तो टिकटॉक को इस वजह से बैन होना ही था, तो इस वजह से टिकटॉक बैन हुआ। क्या टिकटॉक फ्यूचर में अनबैन होगा या नहीं? जी दोस्तों, इस पर कंफर्म नहीं है कि टिकटॉक फ्यूचर में अनबैन होगा या नहीं। अनबैन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे कि पबजी बैन हो गई थी, बाद में अनबैन कर दी गई थी, तो अभी इस पर भी जो कोई अच्छी दलाल देगा तो अनबैन कर देंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हद तक लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को अगर वीपीएन कनेक्ट करके टिकटॉक से इस्तेमाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में टिकटॉक को फ्री पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ साइड पर दो वीडियो नज़र आ रही होंगी, इन वीडियोस पर क्लिक करके एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।